नमस्कार, आज की स्टोरी स्टोरीज ऑफ इनफाइनाइट फेथ लेकर आए हैं। स्टोरी है दो बेगर्स के बारे में। एक बार दो बेगर्स थे जो कि एक ब्रेड बनाने वाले दुकान के सामने बैठे थे, बेकरी के सामने। ऐसा हुआ कि जो पहला बेगर था, बेकारी, उसको ब्रेड मिल गया और उसको ज़्यादा समय नहीं लगा और उसने ब्रेड लिया और चला गया अपने रास्ते। दूसरा भिखारी बैठा रहा, काफ़ी देर बैठा रहा और फिर उसको ऐसे लगने लगा कि क्या वो कुछ गड़बड़ है, कोई कमी है, ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ, उसको ब्रेड क्यों नहीं मिल रही। और वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है उसके साथ, क्या उसमें कुछ किस्मत में प्रॉब्लम है। तो उसको नहीं पता था कि उसके लिए जो ब्रेड बनाने वाला है वो भीतर एकदम ताज़ी, फ्रेश, बहुत ही बेटर नए आटे वाली और उसमें बहुत सारे मेवे डालकर वो न्यू ब्रेड बना रहा था, ब्रेड बनाने वाला, और उसको थोड़ा बस सब्र रखना था और ये उसको नहीं दिख रहा था उस समय पे। कुछ समय बाद जैसे ही उसको ब्रेड मिला वो बहुत शुक्रगुजार हुआ। ऐसा हमारे साथ भी होता है बहुत बार कि ब्रेड नहीं मिलती, जो हम चाहते हैं वो दूसरे को मिल जाता है और हम सोचते हैं अरे मुझ में कुछ कमी है, भगवान मुझसे खुश नहीं है। लेकिन वो हमारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेड या वो चीज़ बना रहा होता है, इसीलिए हमें दूसरों के साथ कंपैरिजन नहीं करना। उसको जो मिल गया वो उसके लिए था, मेरे लिए कुछ बहुत बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन, मेरे भगवान को पता है। भगवान हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। नमस्कार।